क्वालिटी का भरोसा चाहिए तो प्रमोद ज्वेलर्स आइए, जो लेकर आए हैं शगुन कलेक्शन का एक खूबसूरत तोहफा। हर 30,000 रुपए की खरीद पर पाइए एक लकी ड्रॉ कूपन। लकी ड्रॉ योजना में वेस्पा जीतने का सुनहरा मौका और भी कई सारे आकर्षक इनाम। जल्दी करें। प्रमोद ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगणा रोड, नागपुर, TNC अप्लाई। रामटेक लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के नामांकन की पड़ताल के दिन गुरुवार को नया मोड़ आ गया। कांग्रेस की ओर से महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार रश्मि बर्वी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर उन्हें उम्मीदवारी गंवानी पड़ी। दिन भर चली राजनीतिक हलचल के बीच रात को कांग्रेस की ओर से रश्मि के पति श्याम कुमार बर्वी को उम्मीदवार बना दिया गया। महायुति की उम्मीदवार रश्मि बर्वी को उम्मीदवार बनाने की चर्चाओं के साथ ही उनका विरोध होने लगा था। उनकी जाति प्रमाण पत्र को अवैध बताया जा रहा था, इसलिए कांग्रेस ने सावधानी बरतते हुए श्याम बर्वी का भी नामांकन फॉर्म भरवाया था। गुरुवार को रश्मि की उम्मीदवारी को लेकर निर्वाचन अधिकारी के साथ हुई बैठक के दौरान श्याम बर्वे के नामांकन को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। नामांकन फॉर्म में तकनीकी त्रुटि दर्शा कर उसे रद्द करने की पेशकश की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस पदाधिकारियों व बर्वे के वकील के कहने पर नामांकन वैध ठहराया गया, जिसके बाद बर्वे ने पत्र परिषद लेकर BJP के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। आज सत्य की पराजय हुई है और झूठ आज सत्य बना हुआ है। आज एक दलित महिला जो दलित समाज में उसका जन्म हुआ, दलित समाज में छोटी से बड़ी हुई और दलित सूची अनुसूचित प्रवर्ग में से उसने चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद अनुसूचित समाज की महिला करके मैंने जो हासिल किया, आज एक अनुसूचित समाज की महिला एक आप सबको आह्वान करती है कि आज मेरी ताकत, मेरा ये गोर गरीब, मेरी जनता है, मेरा किसान है, मेरी महिला है, मेरा युवक बांधव है, इनके घर में माँ बेटियाँ नहीं है। ये लोगों को गोर गरीब महिलाओं के ऊपर ऐसे इस तरीके से आरोप करते हैं, इस तरीके से षड्यंत्र रच के एक 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 घंटे में उनको एक उनका जात प्रमाण पत्र अवैध ठहराते हैं। जरा खुद के घर में जाके देखिए, अगर आपकी माताओं को, आपकी बहनों को अगर इस तरीके से अगर सवाल पूछाए जाएंगे, आपकी माता और आपकी बहनों को अगर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किए जाएंगे तो उनको उनके दिल पे क्या बीतेंगी। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि भारतीय नारी कभी डरी है और ना कभी हारी है। आप सबको बताना चाहूंगी, मैं अबला नहीं हूँ, मैं सबला हूँ। इन्होंने जो जो आरोप मुझे लगाए हैं, इन सब आरोपों का मैं खारिज खंडन करूंगी। और इससे ज्यादा आज एक महिला के कारण इन्होंने एक डर इनके मन में एक डर इनके मन में पैदा किया है। वो डर इनके मन में 19 तारीख तक के नहीं तो 4 जून के तक के उनके मन में डर रहेगा कि एक महिला से हमने पंगा लिया था, उनका मुकाबला उन्होंने चुनाव में करना चाहिए। और सबसे ज्यादा आज जनता मेरे साथ में है, उनका भरोसा है और वही मेरी आज ताकत है। अगला उम्मीदवार मेरे पति श्याम कुमार बर्वे। इस वक्त रश्मि बर्वे के वकील नारनौरे ने इसे बर्वे के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र बताकर किस तरह अपने फायदे के लिए प्रशासन का उपयोग किए जाने की बात बताई है। श्याम कुमार बर्वे, इन्होंने जो नॉमिनेशन फॉर्म बी फॉर्म जो भरा, उस पर एक छोटा सा आक्षेप जो है वो तकरार करता जो है सालवे साहब, उनके वकील ने आक्षेप ये लिया कि बी फॉर्म में पैरा 4 में इन्होंने जो स्ट्राइक आउट यानी पूरा जो ऐसा खोलना चाहिए नॉट एप्लीकेबल वो नहीं किया, और थोड़ा सा जो है उन्होंने इस तरह से चिन्ह लगाया नॉट एप्लीकेबल का। तो एडिशनल कलेक्टर साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर है, तो उनको मैंने ये बताया कि ये जो आक्षेप है, ये जो ऑब्जेक्शन है, ये बहुत ही हाइपर टेक्निकल है और ये कोई सब्सटेंशियल नहीं है। उन्होंने इस पॉइंट को मद्देनजर में रखते हुए उनका आक्षेप जो है वो रिजेक्ट कर दिया और ये नॉमिनेशन फॉर्म सही है,
इस तरह से उन्होंने ऑर्डर पास करके उसको एक्सेप्ट कर दिया नॉमिनेशन फॉर्म। इस पूरे वाकये के बाद रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर देश की निगाह रखी है। चुनाव नतीजे के दिन यहाँ पर किसका झंडा फहराता है यह देखना खास होगा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।